गुड मॉर्निंग क्लास UKG। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैथ्स का आज से आप लोग का PA2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। सभी बच्चे मेरे साथ अपने PA2 का एक बार सिलेबस देख लिए। देखिए, आप लोग की लर्न काउंटिंग 76 से लेके 100 तक आएगी। लर्न नंबर नेम्स आएंगे 51 से लेके 75 तक। टेबल्स आएंगी 2 से लेके 5 तक। और शेप नेम्स आपके आएंगे, ठीक है? तो सभी और रिटन में आप लोग का काउंटिंग आप लोग को लिखने आनी चाहिए 76 से लेके 100 तक। नंबर नेम्स लिखने आने चाहिए 51 से लेके 75 तक। बैकवर्ड काउंटिंग जो है आप लोग की हाफ ईयरली कोर्स में हो चुकी है, इसे कट कर दीजिए। ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? राइट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन आप लोग को पता होना चाहिए। बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है। जो आप लोग को आपकी बुक में पेज नंबर 30 से लेके 34 तक मिल जाएगा। टेबल आप लोग को लिखने आनी चाहिए। तो मैं आज आप लोग को पार्ट 11 आज आप लोग का स्टार्ट होगा। तो पार्ट 11 में आप लोग को आज काउंटिंग पढ़ना सिखाऊंगी और लिखना भी सिखाऊंगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ पहले अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। कॉपी में ही मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ काउंटिंग, और कॉपी में से ही हम लोग याद कर लेंगे। सभी बच्चे मैथ्स की कॉपी ओपन करें। ये है आप लोग की मैथ्स की कॉपी। इसमें देखिए, पार्ट 10 में हम लोग का हाफ ईयरली कोर्स कम्प्लीट हो गया था। ये था हमारा पार्ट 10, ठीक है? इसमें हम लोगों ने अपना हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट किया था 4 और 5 की टेबल लिख करके। ये देखिए, मैंने आप लोग का ऑलरेडी कर रखा है। आप लोग सभी वीडियो को देखिए और ध्यान से अपना अपना वर्क करिए। PA2 स्टार्ट डालेंगे सभी बच्चे और पार्ट 11 डालेंगे। डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे सभी बच्चे? लिखेंगे लर्न एंड राइट काउंटिंग 76 to 100। मतलब हमें याद भी करनी है और लिखनी भी है। हमें याद भी होनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए काउंटिंग कहाँ से 76 से लेके 100 तक, ठीक है? तो ये देखिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ठीक है? ये है आप लोग की क्या है, ये काउंटिंग हो गई 76 से लेके 100 तक। एक बार फिर इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पेज पे मैं आप लोग को इसको दोबारा एक बार लिखने के लिए दूंगी आपके होमवर्क में। 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 96 97 98 99 100, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पेज पे आप लोग सब डाल लीजिए राइट काउंटिंग 76 to 100। यहाँ पर सभी बच्चों को 76 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखनी है। यह आप लोग का होमवर्क है, यह खुद ही लिखेंगे। बार मैंने आप लोग को यहाँ पर याद भी करवा दिया और लिख करके भी बता दिया है। ये आपको ऊपर हेडिंग पहले डालनी है, लर्न एंड राइट काउंटिंग 76 to 100। ये काउंटिंग लिख लीजिएगा सभी बच्चे। उसके बाद यहाँ पर जब आप लोग याद कर लें तो यहाँ पर बगैर देखे आप लोग राइट काउंटिंग 76 to 100 डालिए और इसको होमवर्क में लिखिएगा 76 से लेके 100 तक। अब सभी बच्चे जो है अपनी कॉपी को क्लोज करें और अपनी मैथ्स की बुक ओपन करें, जो है आप लोग की प्रैक्टिस बुक, मैथ्स प्रैक्टिस बुक। ये है, इसमें आज हम लोग पेज नंबर करेंगे 16 13 16 17 और 20।
तो सभी बच्चे मेरे साथ पहला पेज नंबर ओपन करें, 13। पेज नंबर 13 को ओपन कर लीजिए। ये है आप लोग का पेज नंबर 13 दिया गया है। पेज नंबर 13 पर डाल लीजिए पार्ट 11 और यहाँ डाल लीजिए PA2। आप लोग को याद रहेगा हम लोगों ने PA2 में ये पेज किया है, तो आप तैयारी करने में आपको इजी रहेगा। डेट शो करिएगा जिस डेट में वीडियो जा रही है। क्या है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर नंबर नेम लिखने हैं जो आप लोग को नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नंबर नेम्स मैं आप लोग को लिखना सिखा चुकी हूँ, मतलब आप लोग को 50 तक मैं लिखवा चुकी हूँ। आज आप लोग को 51 से लिखवाया जाएगा, तो आप लोग जो है जो इसमें लिख चुके हैं वो लिख लीजिए। देखिए 50 की स्पेलिंग सभी बच्चों को आती होगी, FIFTY 50, ठीक है। ये 56 है तो पहले 50 लिख देते हैं, FIFTY 50 और SIX 6। ये क्या है, 48, FORTY 40, EIGHT 8 48। ये क्या है, 54, FIFTY 50, FOUR 4 54। तो मतलब पेज नंबर आप लोग को 13 पर क्या करना है, ये नंबर दिए गए हैं इसके नंबर नेम्स आप लोग को लिखने हैं, पार्ट 11 डालिएगा और PA2 डाल दिएगा ताकि आप लोग को याद रहेगा। अब पेज नंबर 16 को ओपन करिए। ये देखिए पेज नंबर ये 16 दिया गया है आप लोग का, तो पेज नंबर 16 में आप लोग पार्ट 11 डाल दीजिए और PA2 डालेंगे, ठीक है। याद रहेगा कौन से पेज पर है, पेज नंबर 16 है आप लोग का। पेज नंबर 16 पे पार्ट 11 डालिए, PA2 डाला, डेट शो करी जिस डेट में वीडियो जा रही है। इसमें हमें क्या करना है, राइट द न्यूमरल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमरल नंबर लिखने हैं, तो ये क्या लिखा है, 74 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 74 लिख देती हूँ। सब बच्चे मेरे साथ लिखते हुए चलें। यहाँ 62 है तो यहाँ 62 लिखिए, यहाँ 79 है 79 लिखिए, यहाँ 66 है तो यहाँ 66 लिखिए, ठीक है। अब आ जाइए पेज नंबर 17 पे आ जाते हैं। ये है पेज 17। पेज नंबर 17 पे आप लोग को क्या करना है, पार्ट 11 डालेंगे और PA2 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें नंबर नेम लिखने हैं। ये 75 है, यहाँ 70 की स्पेलिंग सबको दी गई है, तो 70 की स्पेलिंग तो आप लोग एज इट इज़ उतार दीजिए यहाँ से, और 5 की स्पेलिंग सभी बच्चों को आती होगी, यहाँ लिख देंगे FIVE 5। अब है ये 64, SIXTY 60, FOUR 4 64। 77, SEVENTY 70, SEVEN 7 77। ये क्या है, 65, SIXTY 60, FIVE 5 65। पेज नंबर 16 और 17 पर दोनों ने सभी बच्चों ने पार्ट 11 डाली है और PA2 डालिए, डेट शो करिए और अपना अपना वर्क करिए। अब आ जाइए पेज नंबर 20 पर। तो पेज नंबर 20 को ओपन करते हैं। पेज नंबर 20 पर भी हम लोग डाल देते हैं पार्ट 11 और PA2 डाल देते हैं ताकि हमें याद रहेगा हम लोगों ने PA2 में पढ़ा था। राइट द न्यूमरल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमरल नंबर हमें लिखने हैं, 97 लिखा है तो यहाँ पर 97 लिखा है, EIGHTY 80, TWO 2 82, तो यहाँ मैं 82 लिख देती हूँ। यहाँ NINETY 90, THREE 93 है तो यहाँ हम 93 शो कर देते हैं, EIGHTY 80, SIX 6 86, तो यहाँ हम 86 लिख देते हैं, NINETY 90, NINE 9 99, तो यहाँ 99 लिख देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन सा पेज किया पार्ट 11 में, पेज 13 किया पहले। देखिए पेज 13 मैंने सबसे पहले आप लोग को पेज 13 करवाया, पार्ट 11 डाला, PA2 डाला और उसके बाद हम लोगों ने इसमें इसकी स्पेलिंग्स लिख दी। पार्ट पेज 13 के बाद हम लोगों ने किया पेज 16 और 17। देखिए पेज नंबर 16 ये किया हम लोगों ने
उसके बाद पेज 17 भी हम लोगों ने पार्ट 11 में किए हैं दोनों पेज, ये लिखा पार्ट 11, पार्ट 11 पीए 2 शो कर दीजिएगा। उसके बाद 17 के बाद पेज नंबर 20 किया था हम लोगों ने, पेज नंबर 20 है ये, 20 पे डाला पार्ट 11 पीए 2, ये हम लोगों ने पेज किए हैं एक्टिविटी बुक में। कितने पेजेस किए हैं? 4 पेज, नंबर 13, 16, 17 और 20। ठीक है, अब हम लोग एक पेज और करना है हमें, पेज नंबर 21। तो यहाँ पर पेज नंबर ये 21 आप लोग को दिया गया है, 21 पर भी क्या है, राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमें नंबर नेम्स लिखने हैं। तो पार्ट 11 डाल दीजिए, यहाँ पीए 2 डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 96, तो लिखिए सभी बच्चे मेरे साथ NINETY 90, SIX 6, 96। अब 89, EIGHTY 80, NINE 9, 89। 91, NINE 9, TY 90, ONE 1, 91। 83, EIGHTY 80, THREE 83। ये पेज नंबर 21 को भी हमने कर लिया, पार्ट 11 में पीए 2 डाल देंगे। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट 11 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को आगे का पढ़ाऊंगी, आगे का सिलेबस कवर कराऊंगी। तो जब तक सभी बच्चे पार्ट 11 को ध्यान से देखिए और अपना अपना वर्क कंप्लीट करिए। पार्ट शो करना कोई बच्चा नहीं भूलेगा, आप लोग हर पेज पे अपना पार्ट शो करिएगा और पीए 2 भी शो करिएगा, ताकि आप लोग को याद रहे कि हम लोग का पीए 2 कहाँ कहाँ कराया गया है। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी वीडियो को देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।